नीमच में बीती रात्रि को जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सगर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल के नेतृत्व में जिले के अलग अलग स्थानों से पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाकर शहर के आईपीएल क्रिकेट के मैच पर लगाए जा रहे क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़ पुलिस ने करते हुए दो क्रिकेट स्टोरियों को दबोचा है। पुलिस को मिले मौके से हिसाब किताब की लेखा जोखा सहित 49,500 रुपए नगद जब्त किए। साथ ही उनकी निशानदेही पर मुख्य सटोरी पीयूष मलेशिया को भी पुलिस ने हुडको कॉलोनी स्थित उसके घर से उठाया। मामले में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल ने बताया कि बीती रात्रि को विभिन्न सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने शहर के चार अलग अलग स्थानों स्कीम नंबर 36, स्कीम नंबर 9, चौकंदना बालाजी क्षेत्र और हुडको कॉलोनी के यहाँ दबिश दी थी, जिसमें बंगला नंबर 58 के यहाँ दो आरोपी श्याम पिता दिनेश पाटीदार निवासी बंगला नंबर 58 व कन्हैया पिता घनश्याम दास बैरागी निवासी द्वारकापुरी कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया और उनसे 49,500 रुपए नगद, 13 मोबाइल, 2 लैपटॉप, टीवी से टॉप बॉक्स सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए। पुलिस अधीक्षक, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे शहर में ये चर्चा चल रही थी कि शहर में बहुत बड़े पैमाने पर आईपीएल का सट्टा चल रहा है, तो उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम ने काफ़ी जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और कल जो माइक टू साहब हैं हमारे एडिशनल एसपी श्री राजीव मिश्रा साहब, उनके निर्देशन में और टीआई कैंट आजय सारवन ने और करीब 15 लोगों की टीम, जिसमें हमारी एससी अर्पिता है, एससी भैरू सिंह है और डीएसबी एसबी के लोग सब मिलके चार जगहों पर कल हम लोगों ने रेड किया था। एक तो स्कीम नंबर 36 में था और स्कीम नंबर 9 में था, चौकन्ना बालाजी पे था और हुडको कॉलोनी में था। इसमें दो जगह पर हमको सफलता नहीं मिली। चौकन्ना बालाजी पर कन्हैया लाल और श्याम पाटीदार, इन दो लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से दो लैपटॉप, अनेकों मोबाइल फ़ोन और सट्टे के ऊपर 50,500 रुपये और चार्जर और टीवी वगैरह ये जब्त किया गया है। अभी इनका सारा कुछ लैपटॉप में बंद है। रात में कायम करने के बाद अब इसकी आज एनालिसिस किया जाएगा और इसमें जिन लोगों से ये सट्टे का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कोर्ट में होता है, उसको डिकोड करने का प्रयास किया जाएगा और उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें किसी एक और आरोपी को भी डिटेन किया गया था रात में सर? इसमें इसके बाद जब इनके पास जो डाटा मिला उसके हिसाब से एक हुडको कॉलोनी में पीयूष नामक व्यक्ति है जो पूर्व में सट्टे में गिरफ्तार हुआ है, तो उसके यहाँ भी रेड किया गया है और उसको अभी पूछताछ के लिए हमने रोक रखा है और जैसा भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सट्टे का तो मिला तो क्या अंदेशा लगता है आपको, क्या एक बड़ा सट्टा जो सामने आएगा कितने के हिसाब से संभव? देखिए अभी लैपटॉप में ही सब चीज़ बंद है, आज उसको हम अभी खोलेंगे एक्सपर्ट्स की मदद से और उसमें जो रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से शाम तक ये बता पाएंगे कि ये कुल कितने का सट्टा लगाया गया, कितने का आगे उतारा गया, कितना इनको प्रॉफिट हुआ है। सर मनासा पुलिस बिल भी इसमें मौजूद था, तो ज्यूरिडिक्शन के बाहर जाकर ये कार्रवाई की जा सकती थी कि उनके द्वारा? देखिए ये मैंने आपको बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई थी और उनका ज्यूरिडिक्शन पूरे जिले पर है, कहीं से भी जो व्यक्ति उपयोगी सूचना देता है उसको बुलाया जा सकता है। अच्छा, पीयूष के घर वालों का कहना है सर कि वो लोग खाना वाना खा रहे थे, उनके साथ में काफ़ी बदतमीजी की गई है, क्या आधार था मतलब पीयूष के घर पे ये करने का? पीयूष के घर पे आप सबको मालूम है, पूरा शहर जानता है कि वो सट्टे में इन्वॉल्व है। इसी तरह हमारे पास भी खबर है, जब तक खबर को पुख्ता रेड करके नहीं किया जाएगा, किसी शरीफ आदमी के यहाँ यदि रेड की जाती तो समझ में आता है, जो आदमी पूर्व में सट्टे का व्यापार कर चुका है, इसी तरीके से जो अन्य लोगों को इस गिरफ्त में घुसेड़ रहा है या अन्य लोगों को प्रेरित कर रहा है, उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ गलतफहमी भी हुई थी जिसमें माइकवन साहब को पता चला था कि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी सुबह पत्रकारों ने जब यहाँ पे थाने में पता किया तो बताया गया कि प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, तो ये गफलत कैसे हुई सर, क्या कारण था? अब इसका मेरे से संबंधित गफलत होगी तो मैं उत्तर दूंगा, बाकी दूसरे के संबंध में गफलत का उत्तर मैं कैसे दूंगा। टीआई साहब के संबंधित गफलत होगी? नहीं, कोई गफलत नहीं,